आज मेरा डे टू है बनारस में, और आज देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, मतलब झरझर एकदम। अष्टभुजा मंदिर आ गए हैं जो विंध्याचल पर्वत पे ही है। वेरी ठंडी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बजे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, क्या बताऊँ। मैं एक बहुत प्यारी कुर्ती पहन के आई थी, पर इतनी ठंड देख के ना मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि जैकेट हटाई जाए। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है एक जैकेट और दे दो, मैं वो भी पहन लूँ, बहुत ठंड है। हम आए हैं विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर ही स्थित है। यहाँ इसको शक्तिपीठ कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि जो आप मन्नत मांगते हो यहाँ पर वो हमेशा पूरी होती है। आप मन्नत मांगने के इरादे से मत आना, तो बहुत शक्ति इनमें, बहुत शक्ति है इन वाली माता में। ये काशी से 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर काफ़ी फॉग था, तो हमें करीब 1 आवर 15 मिनट्स लग गए हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया, पर इतना टाइम लगता नहीं है, 1 आवर अप्रोक्स लगता है। पर फॉग इतना है, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितनी ठंड है यहाँ पे, कितना ही कोहरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लग जाता है, इट्स इजी। पर अगर काशी आओ तो यहाँ भी जरूर आना चाहिए, तो जब आओ तो यहाँ जरूर आना। हम जा रहे हैं अष्टभुजा मंदिर। अष्टभुजा मंदिर को वैसे माँ सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि कृष्ण जी की बहन कहा गया है इनको। यहाँ अष्टभुजा मंदिर आ गए हैं जो विंध्याचल पर्वत पे ही है। ये विंध्यवासिनी माता जी के पास ही आ रहा है मंदिर। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत पे एटलीस्ट 3 माताएं हैं, तो हमने विंध्यवासिनी माता के दर्शन कर लिए, अब हम आए अष्टभुजा के करने। तीसरी जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगी। ये करीब 20-30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मंदिर पड़ता है नीचे। आ चुके हैं काली को मंदिर, ये भी विंध्याचल पर्वत पे स्थित है। इसकी मान्यता है तो नहीं पता मुझे, पर पंडित जी से पूछ के जरूर बताऊंगी कि क्या मान्यता है। आज मेरा डे टू है बनारस में। मैंने यहाँ पे डोसा कॉर्नर पे डोसा, इडली सांभर, सांभर वड़ा, ये सब खाया है। पर बिलीव मी, स्ट्रीट फूड बहुत बेटर था। मतलब मैंने जितना होटल पे ट्राई करा कल, उससे बहुत बेटर था कि मैंने यहाँ पे खाया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने ये प्लेट भी, मैंने 2-2 प्लेट खाया है, इतना टेस्टी था। ऊपर से हाइजीनिक काफ़ी था, लग रहा है कि केले पे है। पर आप भीड़ देखो, यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना था। 16,000 बनारस आए और पान ना खा के जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सुना है ना गाना, खाई के पान बनारस वाला। वैसे तो इन भैया ने मास्क लगा रखा है, कुछ भी बताना मुश्किल होगा, पर काफी टेस्टी बना रहे हैं। जो भी सामान डाल रहे हैं देख के लग रहा है कि काफी स्वादिष्ट होगा ये सब। गए हैं बनारसी साड़ी लेने गौरी शोरूम। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ी शॉप्स हैं, आपको पॉइंट्स पे बहुत सारी मिल जाएंगी। बट पता है मेरे को आज क्या पता चला कि बनारसी साड़ी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे शातिर, प्योर सिल्क, जॉर्जेट बनारसी साड़ी और भी बहुत सारी साड़ी। हाय, कौन सी क्लास में हो? वन में। अरे आप, मुझे तो लगा नर्सरी में हो गए, छोटे से हो। ये मास्क पे क्या बन रहा है आपकी? मास्क पे क्या बन रहा है?
अभी जो नहीं आई थी। अरे वाह, डुगू तो बहुत स्मार्ट है। और ये हैरी पॉटर, हैरी पॉटर ही पसंद है। कल मैं आपसे बात कर रही थी कि कितना परफेक्ट वेदर है और आज देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, मतलब झरझर एकदम। पूरी रोड यहाँ की भर चुकी है, पब्लिक एकदम कम हो चुकी है, सब बच्ची खड़ी हुई है पानी से। बहुत तेज बारिश है, बिल्कुल वेदर एकदम चेंज हो गया है। मेरे का मन है नहीं यहाँ से, पर क्या करें, यहाँ आए हैं तो बनारस घूम भी लिए हैं पर अब जाना ही पड़ेगा। बहुत हुआ, दो दिन यहीं बिताए हैं, काफ़ी कुछ घूमा है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है। अच्छा था यार टूर यहाँ का, मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा? वैसे मैं गई काफी चार झंडा। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? One eternity later. Very thundy morning to all of you. बजे हैं सुबह के 6। तो होप यू लाइक इट माय व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग था अभी तक का गर्ल विथ कर्स चैनल का मेरे, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि मैं कुछ ट्राई कर पाऊंगी, बट मैंने इस बार सोचा है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।